वेलकम टू मेन्यू कार्ड बाय पारुल गुप्ता फ्रेंड्स। और आज मेन्यू कार्ड के किचन की डिश है बहुत ही रिफ्रेशिंग पान शॉट्स। खाने में और पीने में जो भी आप कहना चाहें बहुत ही टेस्टी हैं, प्लस फटाफट बन जाते हैं। तो चलिए मिलके बनाते हैं पान के शॉट्स। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे फूड चैनल मेन्यू कार्ड बाय पारुल गुप्ता को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले बहुत ही अच्छे अच्छे व्यंजनों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, पान शॉट बनाने के लिए आप कोई भी पान ले सकते हैं। वैसे कलकत्ता या मगही जो भी पान आप यूज़ करना चाहें, कलकत्ता पान के जो फ्लेवर होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो हमने यहाँ पर मगही पान के 5-6 पत्ते लिए हैं और इनका पीछे का जो डंठल होता है उसको निकाल दिया है, फिर इनको रफली चॉप्ड कर लिया है। बहुत जल्दी बनने वाला ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, चाहे आप गर्मियों में सर्व करिए या जाड़ों में सर्व करिए, जिनको पान खाना पसंद है उनके लिए तो ये बहुत ही पसंदीदा बन जाएगा। एक बार ज़रूर ट्राई करिए और जो है फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये ड्रिंक्स कैसे लगे। तो हमने सारे पान के डंठल्स निकाल दिए हैं और अब हम एक मिक्सर ग्राइंडर का जार ले लेते हैं और इनको जो है इसमें डाल लेते हैं। इसके साथ ही हम इसमें 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट, 1 बड़ा चम्मच सौंफ, पिसी हुई 3 से 4 चम्मच शक्कर, आप नॉर्मल शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और क्वांटिटी आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ ही हमने 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा इलायची का पाउडर लिया है। सौंफ का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, सौंफ बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और इसके साथ ही हम यहाँ पर 2 बड़े चम्मच गुलकंद लेंगे और इसको डाल के इनका एक पेस्ट तैयार करेंगे। क्योंकि हमने इसमें गुलकंद डाला है तो ये पान के कलर को थोड़ा सा हल्का कर देगा, तो यदि आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी डाल सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, यदि आपको डालना है तो आप डालिए और नहीं डालना है तो बिल्कुल ही स्किप कर दीजिए। पान खाने का शौक जो है वो प्राचीन काल से चलता आ रहा है। पान के अपने अनगिनत फ़ायदे हैं, तो आप पान की बजाय पान शॉट तैयार करिए। ये भी जो है बहुत ही रिफ्रेशिंग है, प्लस इसके भी बहुत से फ़ायदे हैं। तो एक बार ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करिए। तो इन सारे मिक्सचर को डाल के अब हमने इसमें गुलकंद डाल दिया है और अब हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे फूड चैनल मेन्यू कार्ड बाय पारुल गुप्ता को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। पेस्ट को पीसने के लिए, जिससे कि पान का कलर बरकरार रहे, आपको ठंडे पानी का या आइस क्यूब का इस्तेमाल करना है, जिससे कि पान का कलर जो है बिल्कुल हरा फ्रेश बना रहेगा। हमने थोड़ा सा एडेबल कलर भी इसमें ऐड किया है, तो देखिए बड़ा अच्छा सा कलर आ गया है इसका। और दोस्तों, इस जो मिक्सचर को हम जो है फ्रीज में कम से कम हफ्ता भर तक स्टोर कर सकते हैं। इसको आप किसी एयरटाइट कंटेनर में भर के फ्रिज में 1 हफ्ते तक स्टोर कर लीजिए। और यदि जो है आप इसके आइस क्यूब जमा लेते हैं और फिर इसको आप फ्रीज़र में 20 से 25 दिन तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। बस एक आइस क्यूब निकाला और इसको जो है आगे ड्रिंक में डाल के आप तुरंत फटाफट जो है अपने गेस्ट को सर्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हमने फ्रीज़र में स्टोर कर लिया है और अब हमने 4 बड़े चम्मच ये ड्रिंक ले लिया है जो हमने पेस्ट तैयार किया था। इसके साथ ही हम इसमें कुछ और सामान ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, इस ड्रिंक को बनाने के लिए आप जो है व्हिप्ड क्रीम, नॉर्मल क्रीम या आइसक्रीम का यूज़ कर सकते हैं या घर की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिज़ल्ट जो है वनीला आइसक्रीम के साथ में आता है। तो हम जो है आज वनीला आइसक्रीम का भी इस्तेमाल करेंगे। वैसे व्हिप्ड क्रीम के साथ भी ये अच्छी लगती है और नॉर्मल फ्रेश क्रीम के साथ भी ये अच्छा बनता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 1/2 कप दूध ले लिया है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ दूध है। अगर आपको ठंडा ड्रिंक सर्व करना है तो आप जो है चिल्ड मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। इसके साथ ही हम यहाँ पर 2 चम्मच पिसी हुई शुगर का भी इस्तेमाल करेंगे। आप जैसा भी मीठा खाते हो आप उस तरीके का शुगर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर 2 बड़ा चम्मच वनीला आइसक्रीम के डाले हैं और अब हम इसको सब सामग्रियों को विस्क करेंगे। आप चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक विस्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इसको हैंड विस्कर से ही ब्लेंड कर लिया है, बहुत आसानी से ब्लेंड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। और अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे।
एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ फ्रेंड्स कि यदि आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो आप वनीला आइसक्रीम का इस्तेमाल करिए। बहुत ही अच्छा पान का और वनीला का फ्लेवर एक साथ मिलके आता है। तो फ्रेंड्स, इस गर्मियों में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही रिफ्रेशिंग, बहुत ही माउथ वाटरिंग रेसिपी है। इनको अच्छे से विस्क कर लीजिए, थोड़ा सा फीना सा झाग सा आ जाएगा और आपके जो है गेस्ट या रिलेटिव्स बिल्कुल दीवाने हो जाएंगे आपके इस ड्रिंक के। और इसको चेक कर लीजिए कि ये पर्याप्त मीठा है या नहीं है, जैसा भी आपको स्वीटनेस पसंद है। तो चलिए हम इनको अपने शॉर्ट ग्लासेस में जो है सर्व करते हैं। आप चाहें तो इनको नॉर्मल ग्लासेस में भी सर्व कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हम इसकी सजावट करते हैं। हमने एक एक रोज़ पेटल्स डाल दिए। आप चाहें तो कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और उसके साथ ही जो रंग बिरंगी सौंफ आती है मार्केट में, उससे हमने गार्निशिंग की है। हमारे यहाँ जो मीठा पान मिलता है उसमें सौंफ का यूज़ ज़रूर करते हैं, वो कलर्ड वाली। तो जो है उसका भी फ्लेवर मुझे तो बहुत पसंद है पान में, तो मैं इसको डालना ज़रूर प्रेफर करती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा पान शॉट तैयार है। बहुत ही रिफ्रेशिंग बना हुआ है, तो ज़रूर ट्राई करिए और अपने गेस्ट को पिलाइए। और आप सभी ने हमारी ये रेसिपी देखी, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच।